अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। तो जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में अब हाई कैपेसिटी वाला स्टेडियम जो है वो तैयार किया जा रहा है। कहां पर ये स्टेडियम तैयार होगा और कितने लोग इस स्टेडियम के अंदर मैच एंजॉय कर पाएंगे, इसके ऊपर जक्का अशरफ की बड़ी ब्रीफिंग आई है। बंदे के खुद तो पांव जम नहीं रहे, लेकिन स्टेडियम को लेकर बड़ी बात बंदे ने कर दिया है। इसके अलावा जनाब, फाइनल का जो टाकरा है वो पाकिस्तान और भारत होगा वर्ल्ड कप 2023 के अंदर। भारत में ये मेला लगेगा, बड़ी जनाब पेशगोई की गई है। इसके अलावा जनाब, मोहम्मद आमिर के बाबर आजम और विराट कोहली फेवरेट होकर भी फेवरेट नहीं है, बड़ी अनोखी बात जहां पर मोहम्मद आमिर ने की है, तो यही आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान इन दिनों बड़ी सुर्खियों में है, पीसीबी के हवाले से, इंडिया का दौरा करने के हवाले से, इसके अलावा एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल के हवाले से। तो जहां पर एक और बड़ी गुड न्यूज है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेडियम तैयार किया जा रहा है जिसमें 50,000 लोग मैच एंजॉय कर पाएंगे। 50,000 कैपेसिटी होगी, 50,000 फैंस एंजॉय कर पाएंगे मैच किस स्टेडियम के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर जिस स्टेडियम बनाया जाएगा। जक्का अशरफ ने भाई ये बात किया है कि भाई हम 50,000 कैपेसिटी वाला स्टेडियम इस्लामाबाद के अंदर बनाने जा रहे हैं। ये ख्वाब तो रमीज राजा ने भी देखा, सेठी ने भी देखा, आप भी देख लें, बनाना है तो फिर बनाना पड़ेगा। और आईसीसी को भी इससे पहले ब्रीफिंग दी गई थी कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये स्टेडियम रेडी हो जाएगा। तो 50,000 इसकी कैपेसिटी जक्का अशरफ ने कहा है कि भाई होगी, लेट्स सी, देखते हैं जब बनेगा तो तब पता चलेगा। इसके अलावा जनाब, अगर यहां पर बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल मैच होने जा रहा है। ये जनाब प्रेडिक्शन किया मोहम्मद आमिर ने कि पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप के अंदर फाइनल पड़ेगा 2023 का, जो ओडीआई वर्ल्ड कप अपकमिंग होने जा रहा है। तो इसके अलावा मोहम्मद आमिर ने भाई कहा कि विराट कोहली और बाबर आजम मेरे फेवरेट प्लेयर हैं ओडीआई और टेस्ट के अंदर, T20 के अंदर मैं दोनों को नहीं मानता। यहां पर भाई मोहम्मद आमिर ने वर्ल्ड क्लास बल्लेबाजों की थोड़ी सी तोहीन किया, यानी कि उनको T20 के अंदर ये अच्छे नहीं लगते। जिस तरह आमिर ने पहले भी कहा था कि मैं बाबर से थ्रेट महसूस नहीं करता स्पेशली T20 के अंदर, और बाबर आजम जो है वर्ल्ड क्लास है ओडीआई के अंदर और टेस्ट के अंदर भी, बाबर और विराट कोहली दोनों अच्छे बल्लेबाज, लेकिन T20 के लिए मैं उनको यहाँ पर अपना फेवरेट प्लेयर तो कम से कम नहीं मानता। ये जनाब मोहम्मद आमिर ने यानी कि इसके ऊपर भी बात की है, अपनी मतलब पेशगोई जो उन्होंने दी है। अगर आपको अपडेट से चलेगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब।